चलो कहता है व्हाट बी द वेलोसिटी पार्टिकल प्रोजेक्टेड सो दैट हाइट बिकेम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो ये भी एक सुंदर सा अच्छा सा प्रॉब्लम है। अगर आप किए होगे ग्रेविटेशन, थोड़ा सा भी डेप्थ में आपको पढ़ाया गया होगा तो पढ़े होगे कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर मैं इसको वी वेलोसिटी से फेंकता हूँ और वो वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी है तो बॉडी तो आएगी, वापस आएगी रिटर्न करके यार, तो ये कहीं मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी और ये हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, अगर इसको एस्केप के बराबर फेंकोगे तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं यार। पहला तरीका ये है कि एक बच्चा जो फार्मूला याद करके गया है इसको डेरिवेशन वाला जो कराया गया होगा आपको, दूसरा है एनर्जी कंजर्व कराएगा। ठीक है, एनर्जी अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो वो लिखेगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखेगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखेगा और इन दोनों को इक्वेट करेगा। टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखेगा, टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखेगा, उन दोनों को इक्वेट करेगा फिर सॉल्व करेगा। और ये हाइट कितना है, वेलोसिटी हाइट बिकेम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये हाइट रेडियस। तो पहला तरीका मैं पहले वाले तरीके से करता हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि जो बच्चा स्मार्ट है फार्मूला याद करके गया है वो उसको पता है कि वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम, इस केस में अगर मैं लेस देन फेंकता हूँ इसके वेलोसिटी से कम है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 2gh और 1+h अपान r अंडर रूट होती है। ये वो बच्चा जिसको फार्मूला याद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2gr और यहाँ r रखोगे तो 2r। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 2 ने 2 को मतलब gr अंडर रूट और जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो जी एम ओवर आर स्क्वायर मतलब ये जी की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है, तो जी एम मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये वो बच्चा है जिसको ये फार्मूला याद है मैक्सिमम हाइट का जब लेस देन इसके वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होती है। और एक बच्चा जो इसको फार्मूला याद नहीं है तो वो कैसे करेगा, देखो वो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कराएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी लिखेगा, क्या लिखेगा, मान लो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम और आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एनर्जी लिखेगा तो टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी क्या है बोलो, यहाँ पे टोटल फाइनल एनर्जी पोटेंशियल गया जी, काइनेटिक गया जीरो, पोटेंशियल गया जी एम एम और कितना हाइट ऊपर गया आर प्लस आर, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेगा और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा उसके बाद मैक्सिमम क्या निकालना, वेलोसिटी वी निकालेगा, तो इक्वेट कर दो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर टू आर। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एम ने एम को और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm ओवर r और माइनस जी एम ओवर 2r। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उड़ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि gm ओवर r, ठीक है, 1/2 दैट इज वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये भी सही है कि ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और जो फार्मूला याद किया मैक्सिमम हाइट का लेस देन स्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होती है। ठीक है, तो वो ये दोनों से कर सकते हो।